मैं धन्य हूं इसलिए कि मैं जिस संस्कार में पला हूं, डॉक्टर लोहिया के संस्कार में पला, मैं 1950 का संघ का स्वयंसेवक हूं, ये भी मैं गर्व के साथ कहता हूं। मेरे उम्र के स्वयंसेवक अब बिहार में एक माननीय कैलाशपति मिश्र जी थे, रविशंकर जी के पिताजी थे, जो मुझसे सीनियर थे, नहीं तो मुझसे ज्यादा पुराना स्वयंसेवक बिहार में दूसरा नहीं है। मैं 1950 का स्वयंसेवक रहा, समाजवादी आंदोलन में रहा, लेकिन मेरे गुरु ने सिखाया कि कठपुतली के जैसे नाचना मत। आप जिस जमात में रहे हो उस जमात में पिछड़ों को, दलितों को नेता बनाया गया, लेकिन उनको कठपुतली के जैसे नचाया गया, उनके स्वाभिमान की रक्षा नहीं हुई, उनको कभी नेता बनने नहीं दिया, उनको नेता नहीं बनने दिया। मैं जिस निर्भीकता के साथ अपनी पार्टी के तरफ से बोल रहा हूँ, क्या आप उस निर्भीकता के साथ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। प्लीज लुक एट द चेयर। यस मैडम, आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, अब आइए, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं एक दो योजना के सामाजिक आर्थिक रक्षा करके खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अगर मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे तो इससे ज्यादा लाभ किसको होगा? हर खेत को पानी, हर हाथ को काम मिलेगा। इससे हर खेत को जब पानी मिलेगा तो पिछड़ों को, दलितों को, कमजोर वर्गों को ज्यादा लाभ मिलेगा, क्योंकि खेती किसानी वही ज्यादा करता है। उसके खेत में पानी जाएगा, उसके जे खेत में हरियाली आएगी, चेहरे पर लाली आएगी, घर में खुशहाली आएगी, बेटों को पढ़ाएगा, आगे बढ़ाएगा, तब आएगा जब खेत में पानी होगा तब। अरे आपने योजना बनाई, मैं बिहार से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, आपने कितनी सिंचाई योजनाएं बनाई। एक पश्चिमी कोसी नहर है मेरे मिथिलांचल में, 1960 में योजना शुरू की गई और आज तक मेरे खेत में पानी नहीं आया, जमीन भी गई, उत्पादन भी गया, उन योजनाएं भी चली गई। वो योजना बनी किस लिए? ऐसी योजना बनाओ जो आगे बढ़ते जाए, कभी योजना पूरी नहीं हो। इंजीनियर, नेता और ठेकेदार तीनों मिलकर के टिकरी बनाओ और लूट लूट के खाते रहो, इस योजना को कभी पूरी मत होने दो। क्यों 60 ईस्वी से योजना चलाए पश्चिमी कोसी नहर, आज तक पूरी नहीं? उत्तर प्रदेश की सिंचाई योजनाएं क्यों पूरी नहीं हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? प्रधानमंत्री ने संकल्प लिया है, राज्य सरकारों का सहयोग मिलेगा तो हर खेत को पानी मिलेगा, हर हाथ को काम मिलेगा, चेहरे पर लाली आएगी, घर घर में खुशहाली आएगी, इससे पिछड़े, दलित, गरीब समाज का कल्याण होगा। दूसरी योजना है जो मृदा परीक्षण योजना, भूमि सॉइल हेल्थ कार्ड, आप इतने दिन तक क्यों नहीं सोचे? आपको अंधाधुंध जमीन में खाद देते चले गए, इसका लिए समय लगेगा कौशलेंद्र जी। चट मंगनी पट बियाह नहीं होता है, आप लोग तो ऐसे सोचते हैं चट मंगनी पट बियाह जो मिथिलांचल में कहते हैं। हिंदुस्तान के अंदर यह 12 करोड़ हेक्टेयर जमीन है, उसमें मृदा परीक्षण का काम कोई आसान नहीं है। ये युद्ध स्तर पर इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्रों को लैब दिया गया है, उसमें टेस्टिंग मशीन दिया गया है कि उससे जमीन की मिट्टी की जांच होगी और मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होगी, उसमें कौन चीज कमी है, यूरिया कम है, नाइट्रोजन कम है, फास्फोरस कम है, पोटास कम है, जिंक कम है, सल्फेट कम है, क्या कम है, ये जांच करने के बाद और किसान उसके हिसाब से उसमें डालेगा। अब मेरा बच्चा मेरे जैसा अनपढ़ गंवार नहीं है, अब मेरा पोता मुझसे ज्यादा होशियार है, क्योंकि कंप्यूटर से, नेट से निकाल कर सब कुछ को देखता है, आधुनिक खेती करेगा, जब उसके हाथ में ये सब मिलेगा तो मृदा वाला काम उसी तरह है। उसी तरह लघु सीमांत किसानों को ऋण का आपसे मैं प्रार्थना करूं कि ग्रामीण गल्ला गोदाम की योजना अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू की थी, हमसे तो हिसाब मांगते हैं, आप 10 बरस में हिसाब दीजिए ना कितना ग्रामीण गल्ला गोदाम बनाए। इस योजना को ठप कर दिए, कहीं गोदाम नहीं है बिहार में, पैक्स में गोदाम नहीं है, पैक्स किसान का धान नहीं खरीद रहा है, सरकार का रेट है 1350 रुपए क्विंटल, मैं किसान हूँ, अपना 120 क्विंटल धान 1200 रुपए बेच के बिहार में आया हूँ, कहाँ है व्यवस्था बिहार सरकार की? बाकी कहते हैं यही है उत्तर प्रदेश में, किसान भटक रहा है,
क्यों नहीं व्यवस्था की गई, गल्ला गोदाम क्यों नहीं बनाया गया। इसलिए नहीं बना कि अगर ग्रामीण गल्ला गोदाम बनेगा, पैक्स के अंदर धान खरीदा जाएगा, किसान को ज्यादा रेट मिलेगा, किसान खुशहाल हो जाएंगे, तो ये मिल चलाने वाले व्यापारी कहाँ जाएंगे। इसलिए किसान का गीत गाते रहो, हम व्यापारियों को लाभ पहुंचाते रहो। किसी का गीत गाओ, किसी को लाभ पहुंचाओ, इस पर जरा सोचिए। आपसे यही कहने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ। आइए, भारत सरकार के लिए प्रधान वित्त मंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने मुद्रा बैंक की स्थापना की। किसको लाभ मिल रहा है? जितने मिले उसको, जितना मिले उसको कौन दे रहा है? इसलिए आपसे सुनिए गौर करके, ये मुद्रा बैंक से बिना गारंटी के, सेल्फ गारंटी पर 10 लाख तक का कर्जा दिया जाता है। आपने कभी इस पर सोचा था क्या कि खुद की जमानत बन के और 10 लाख तक रुपया मिले? ये गरीब लेगा, ये गरीब को मिलेगा, किसान के बेटे को मिलेगा, मजदूर के बेटे को मिलेगा, पिछड़ों के बेटे को मिलेगा, दलित के बेटे को मिलेगा, समाज के उपेक्षित, उपहासित, कमजोर वर्ग को मिलेगा, उसके घर में खुशहाली आएगी। एक कौशल विकास योजना क्या है? चमड़े का काम, लोहे का काम, गिट्टी का काम, मिट्टी का काम, ये काम कौन करता है? ये सभी काम करने वाले हैं पिछड़े और दलित समाज के लोग। उनके कौशल विकास है, उनके हाथ में कौशल है, लेकिन कोई प्रमाणिकता नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने सोचा कि आईटीआई में कहां पढ़ने जाएगा, आईआईटी में कहां पढ़ने जाएगा। इसलिए गांव गांव में कौशल विकास योजना के लिए प्रशिक्षण केंद्र बनाया। 3000 रुपया उनको प्रशिक्षण के समय में मिलेगा और गांव में बैठ करके वो अपने कौशल की लोगे, उनको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, राज का मिलेगा, मिस्त्री का मिलेगा, हलवाहा का मिलेगा, कोदारी चलाने का मिलेगा। सब काम ग्रामीण क्षेत्र में करने वाले उन गरीबों को कौशल विकास का प्रमाण पत्र मिलेगा, वो भी एक सर्टिफिकेट जेब में लेके जाएगा। क्योंकि हमको कहा जाता था अनस्किल्ड लेबर हो, किसान अनस्किल्ड लेबर है और बाकी लोग स्किल्ड लेबर है। मैं एक बार अपने खेत में हल चला रहा था, मेरे गांव के बगल में डिफेंस का हवाई पट्टी है, जहाज उड़ रहा था, तो मैं रुक गया। मैंने सोचा ये ऊपर से कुछ बोल रहा है हवाई जहाज उड़ाने वाला, तो मैं अपने अंदर से कहा क्या बोल रहा है? तुम यही कह रहा है कि मैं टेक्निकल हूँ, हवाई जहाज उड़ा रहा हूँ, तू जा हवाई जहाज उतार के आ, मेरा हल का मुठ पकड़ के जोत के बता। हवाई जहाज उड़ाने में, अपना हवाई उड़ाने में मैं नन टेक्निकल हूँ, हल चलाने में तुम नन टेक्निकल हो, दोनों का सौदा बराबर है। तेरी विद्या हम न जाने, मेरी विद्या तुम न जाने। आज किसान की बात करने वाले बड़े बड़े नेता हैं। वीरेंद्र जी उस दिन कह रहे थे कि उनके आगे में गाय या भैंस रख दीजिए, तभी नहीं पता लगेगा दूध आगे से निकलता है कि दूध पीछे से निकलता है। काली भैंस काली गाय में फर्क न करे। अच्छा जाबे, जो किसानी की बात करते हैं, हम वो नेता नहीं है जो नाटक करते हैं। सिनेमा में एक हीरो आता है, हल चलाता है, कंधे पर जुआ रखता है, एक तरफ बैल को जोतता है और फटे कपड़े फाड़ के, जिस अच्छे कपड़े को फाड़ के लैला मजनू का खेल करता है। उसी तरह राजनीति में लैला मजनू का खेल है, फटा कपड़ा लेकर मंच पर लोग दिखाते मेरा फटा है। अरे फटा है, लेकिन वो क्या दिखा रहे हो? बोलो ना, बचपन में क्या फटा था? हम तो बचपन में फटे कपड़े पहने थे। हम जिस समय थे उस समय ये जीन्स फिंस ये पैंट पतलू नहीं था। हम तो जो अंडर पैंट पहनते हो आप, वो डोरी वाला पैंट पहनते थे, अब बोरे की टाट पर बैठते थे, गांव में बैठ के बासी भात खाते थे। जन्म लेते हो राजा घर में, पलते हो रानी के महल में, जाते हो कहीं विदेश में, पढ़ के आते हो कहीं से कहीं, और किसी के बारे में आप नाटक करते हो। इसलिए आपसे, आप इस बात को समझिए। सभापति महोदय, मैं इस देश के उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो आदमी अपने नाटक के द्वारा, अपने भ्रम फैलाते हैं, या हिंदुस्तान के गांव गरीब किसान पिछड़ों को ठगना चाहते हैं। अब गांव गरीब किसान मजदूर का बेटा भी चालाक है, तेज है, पढ़ा लिखा है, लैपटॉप रखता है, कंप्यूटर रखता है, मोबाइल रखता है, वो भी नेट पर सब कुछ को देखता है और एक एक नेता की जन्म से लेके मरण तक की कहानी निकाल के पढ़ लेता है गूगल के मार्फत से। इसलिए हम किसी को धोखा नहीं दे सकते। आखिर में मैं कहना चाहूंगा, एक एक योजना को लीजिए जो प्रधानमंत्री जी ने गिनाया, वित्त मंत्री जी ने गिनाया, उन सभी योजनाओं को लीजिए। गांव में सड़क बनाने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना,
अटल बिहारी वाजपेयी ने चलाया था। उस समय मैं उनके साथ मंत्री था। क्यों चलाया? गांव में सड़कें नहीं। मैं उसी इलाके में जन्म लिया हूं सभापति महोदय, कि बाढ़ के समय जब चलता था उसी इलाके से संतोष जी हैं, जब उस कोसी के इलाके में, खमला के इलाके में बरसात के समय चलता था, अगर चलना होता था तो 3 किलोमीटर साइकिल चढ़े मुझ पर, 6 किलोमीटर हम चढ़े साइकिल पर, कभी साइकिल मुझ पर, कभी मैं साइकिल पर। क्यों? इसलिए कि सड़कें नहीं थी, काद कीचड़ कादो, और हमारी बेटी शादी करके आती थी भग घुटना कीचड़ में जा करके तब अपने ससुराल जाती थी। ऐसे भारत के दर्द को समझा श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी ने, समझा उन्होंने। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क की योजना शुरू की। रुको, गांव की गरीबनी बेटी रुको, पिछड़े दलित की बेटी रुको, अब तुम भी पैदल नहीं जाओगी, तुम भी ससुराल से आओगी, जीप गाड़ी पर बैठ के अपने ससुराल तक जाओगी, तुम अब गरीबनी नहीं हो, तेरे भी भाग्य भविष्य बदलेंगे। 10 बरस आपने राज चलाया, प्रधानमंत्री सड़क योजना को ठप कर दिया। पैसा नहीं है, राज्य सरकारें पैसा मांग रही हैं, बहाना बनाते हैं। ऐसा किया कि 3 बरस की योजना को 1 साल में चालू किया कि थोड़ा थोड़ा ईंट धर दो, कहीं का ईंटा कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, शिलान्यास कर दो, ईंटे डाल दो, सड़क बनेगी नहीं, गांव को कहेंगे लोग को एक वोट इसी पर लड़ेंगे। लेकिन गांव के लोग इतने मूर्ख थोड़े हैं। भाई नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 27,000 करोड़ रुपया जो दे रहे हैं, और कितना किलोमीटर से अब 113 की 115 किलोमीटर रोज प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का लक्ष्य रखा है, इससे गांव बदलेगा, गांव में सड़कें जाएगी, गांव की गलियां पक्की होगी। आपने मनरेगा चलाया, मैं कहता हूं सारे पैसे से लेके हमारे गांव की गलियों को पक्कीकरण कर देते, ग्रामीण सड़कों को पक्कीकरण कर देते, हमारे ट्रैक्टर चलाने का रास्ता देते, हमारे मशीन चलाने का रास्ता देते, हमारे मोटरसाइकिल चलाने का रास्ता देते, गांव में गाड़ी जाने का रास्ता बनाते, गांव का कायाकल्प पर कल्याण हो जाता। सड़क सबसे ज्यादा रोजगार और सबसे ज्यादा विकास का साधन है, आपका ध्यान उस पर क्यों नहीं गया? बात करने से नहीं, काम करके दिखाओ। नरेंद्र मोदी बात में नहीं काम पर विश्वास रखते हैं, इसीलिए आपसे मैं कहना चाहता हूं कि जरा इन बातों पर गौर से सोचिए। कहते हैं कि हुआ क्यों नहीं, बताइए साहब, 60 साल तक आप डेढ़ दो साल तक की सरकार, 60 बरस में आपने किया नहीं, कहते इतने दिन में करके दिखाओ। कबीर दास जी ने कहा, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब योजनाएं चली हैं तो उसमें समय लगेगा, दीर्घकालीन योजना है, कोई 10 बरस में, कोई 20 बरस में उसका परिणाम निकलेगा। राष्ट्र निर्माण एक बात है, और अपना घर निर्माण, परिवार निर्माण, अपने संतान का निर्माण एक अलग बात है, दोनों की दृष्टि अलग है और दोनों की दिशा अलग होती है। आप जब देखते हैं तो हमारे को क्या देखते हैं? मोइली साहब, आप अपने को देखिए, हमारे ओर मत देखिए, अपनी अपनी ओर देखिए। दोस्त पराये देख करी चला हसंत हसंत, अपने याद न आवहिं जिनका आदि न अंत। दूसरे का दोस्त देखते देखते हंसते हंसते मत चलिए, अपने की गठरी खोलिए, उसमें अपने को झांकिए। आखिर आपने क्या किया जो आप 400 से ऊपर सीट वाले या 44 पर आ गए? सोचिए आप, व्याख्या करिए आप। हम कहां 2 पर थे, माननीय अडवाणी जी हैं, हम कहां 2 पर थे, अब जाते जाते 280 पर पहुंच गए। आखिर हम में कुछ गुण होगा, काबिलियत होगी, लोगों ने विश्वास किया होगा, वोट लूट के नहीं आए, बंदूक के बल पर नहीं आए, लोगों का विश्वास जीत के आए हैं, और आज भी भारत के लोगों का विश्वास है। फिर अंत में इतना ही कहूंगा, नोटबंदी की चर्चा बहुत की है, किसान की बात बहुत की है, कल भी भर दिन चर्चा की है, आज भी उतने बात। ये नोटबंदी है कि हरि कीर्तन है आपका, जो जब जब संकट आए तो भगवान का कीर्तन करो, ढोल बजाओ। इसलिए जब से सुन रहा हूँ कितने दिन से, एक बार रामलीला के मैदान में वो अन्ना हजारे जी ने, अरे कोई नेता है दुनिया भर में ढोल पीटने वाला, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, वो उसमें
कीर्तन करता था और सवेरे से शाम तक ढपट 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 ढोल बजावे, लोग तंग आ गए। तो हम लोग पार्लियामेंट में कहा, अरे किसी तरह ही ढपढपा को बंद करो, किसी तरह बंद करो। ढपढपा बंद कराए। उसी तरह जब से ये 8 तारीख शुरू हुआ, 8 नवंबर से, जब देखिए जिधर देखिए क्या है, नोटबंदी नोटबंदी। किसान को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, गरीब को, मजदूर को। हम तो किसान हैं, 2000 रुपया हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश में 2000 रुपया महीना से ज्यादा नकदी किसी किसान के घर का नहीं है। चावल अपना, दाल अपनी, गेहूं अपना, सब्जी अपनी, दूध अपना, दही अपना, हमारे पास पैसा लेके क्या करेंगे? पैसा कूट के खाएंगे? हमको तो 2000 में महीना चलता है। 4000 रुपया का बदली आया कि बदल लो, किसी तरह बचा के 4000, 2000, 5000 रुपया घर में रखे थे, एक दिन में बदल के ले आए और 3 महीना 4 महीना तक घर में, 6 महीना तक खर्चा चलाए। कलेजा फटता है उनका, कलेजा फटता है उनका, जो 5 स्टार होटल में जाते थे, राजा रानी रहते थे, उस सूट का किराया एक दिन का 1-1.5 लाख। एक होटल में मैं गया तो कहा यहाँ एक सूट है उसका 5 लाख एक रात का किराया है। मैंने कहा चल भैया थोड़ा दिखा दे कि उसमें क्या है। मैं गया तो मैं पूछा इसमें रहने वाला मरता है कि नहीं, तो कहा मरता तो सब है। हम कहा जब इसमें भी मरना है तो इसी में आके कहाँ मरेंगे, इतने बड़े घर में भगवान भी डर जाएंगे। इसीलिए उस झोपड़ी में रहने वाले की बात करिए, आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्चते नहीं है, पैसा को फूकते हैं। आप उनकी बात करते हैं जो पैसा खर्च नहीं करते हैं, पैसा को उड़ाते हैं, पैसे को लुटाते हैं। एक बार इसी सदन में चर्चा हुई, इतने पैसे उतने पैसे चर्चा में आई। एक मेरे साथी, संजोग से मैं नाम नहीं कहूंगा, वो बड़े हैं, एक दिन उनके पास गए तो वो बोतल निकाल के पीने लगे। हमने कहा कौन शरबत है, तो उन्होंने कहा बिलायती है, विदेशी। हम कहा विदेश में भी शरबत बनता है, इसकी कितनी कीमत है? तो 45,000। मैं दिमाग में जोड़ने लगा, बाप रे बाप, 45,000 का शरबत तो जीवन में नहीं पी पाएंगे ये एक बोतल। तो आपको उनकी चिंता है, जो 45,000 के बोतल का शरबत पीते हैं उनका क्या होगा? अरे उनका क्या होगा, बहुत मौज उड़ाए हो, बहुत मस्ती किए हो, देश का खजाना लूटे हो, लुटवाए हो, बांट करके खाए हो। नरेंद्र मोदी आएगा, ऐसा ताला लगाएगा कि सबका दिवाला निकल जाएगा, गांव गरीब किसान मजदूर खुशहाल और अमीर बन जाएगा, उसके बेटे के चेहरे पर लाली आएगी, उनके घर में खुशहाली आएगी। इसलिए इसलिए ठीक बात है, ठीक बात है। कल्याण जी आप मेरी बात न समझेंगे, क्योंकि आप तो अच्छे वकील हैं, आप तो अच्छे वकील हैं ना? हाँ, जो ज्यादा पैसा देगा उसका बहस करते हैं, आप वकील हैं उसके, जो ज्यादा फीस देगा उसकी बहस करेंगे, कागज भी न पूछेंगे उसने क्राइम किया है कि नहीं किया है, प्लीज बहस कर देंगे। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए कहता हूँ एक बात, हिंदुस्तान के गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्प, जितने लोग हैं सबके लिए किया। अंत में मोदी जी ने कहा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। उस सब में कौन नहीं है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, गरीब है, अमीर है, पिछड़ा है, दलित है, सबका साथ सबका विकास। खेत में पानी सबके खेत में पानी, हर हाथ को काम सबके हाथ के काम, हर हर के चेहरे पर लाली सबके चेहरे पर लाली, हर गरीबी गर्भवती माता को 6000 रुपया, सबके घर में 6000 रुपया, कोई भेद नहीं है किसी जात के लिए, न अल्पसंख्यक है न बहुसंख्यक है, हिंदुस्तान एक समान है। इसलिए समदृष्टि रखिए, सबके लिए बराबर का काम करिए, सब भारत उठेगा, भारत शक्तिशाली बनेगा, और भारत मजबूत, और भारत जितना शक्तिशाली बनेगा देश शक्तिशाली और मजबूत बनेगा। हमारा हिस्सा ज्यादा आएगा, जब सबका सबका बेटा नौकरी पाएगा तो सबसे ज्यादा पिछड़े वर्ग के भी हम नौकरी पाएंगे, क्योंकि हमारी संख्या ज्यादा है। दलित ज्यादा नौकरी पाएगा क्योंकि उसकी संख्या ज्यादा है। जब सबका विकास होगा उसमें मेरी हिस्सेदारी ज्यादा होगी,
जब सबका कल्याण होगा मेरी हिस्सेदारी ज्यादा होगी। इसलिए उस दृष्टिकोण से हम सोचते हैं तो नरेंद्र मोदी जी की योजना ने हिंदुस्तान में आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक परिवर्तन और धार्मिक परिवर्तन, ये सब की ओर जो आगे बढ़ रहे हैं, इसी से हिंदुस्तान का कल्याण होने वाला है। इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हे ईश्वर, नरेंद्र मोदी की रक्षा करिए। अगर कोई संकट आवे तो हम लोगों पर थोड़ा थोड़ा बांट दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर कोई संकट नहीं आवे। वो तो गांव गरीब किसान का नयन का तारा है, हृदय का दिल का धड़कन है, उसकी रक्षा आप करना, जिससे वो आगे कुछ करके दिखाएंगे। धन्यवाद। मल्लिकार्जुन जी कह रहे थे कि कांग्रेस की कृपा है कि अब भी लोकतंत्र बचा है और आप प्रधानमंत्री बन पाए। वाह, क्या शेर सुनाया।